हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी की और देखेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी या जिसको हम टाइम एक्सपोजर फोटोग्राफी या स्लो शटर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के उस स्टाइल को बोला जाता है जिसमें जो आपकी शटर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में जो मेन हमारी सेटिंग होती है वो है शटर स्पीड। शटर स्पीड को अगर हम बहुत ज़्यादा करके शटर को बहुत ज़्यादा देर के लिए खुला रखेंगे और सेंसर को बहुत ज़्यादा देर के लिए लाइट के लिए खुला रखेंगे तो जो हमारा फ़ोटो आएगा वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा, वो बहुत सारा मोशन कैप्चर करेगा और इसी से ही एक लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटो बनता है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी बहुत तरीके की होती है, जैसे कि नाइट फोटोग्राफी जिसमें कि हम रात के फ़ोटोज़ लेते हैं। बहुत बार ऐसे होता है जब रात में लाइट बहुत कम होती है तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ISO बढ़ा के भी कभी कभार फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। ISO बढ़ाने से जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका फ़ोटो ख़राब हो सकता है और फ़ोटो में नॉइज़ आती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करके नाइट फ़ोटोज़ को बेहतर बनाना पड़ता है। दूसरी तरीके की लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती है जिसको हम लाइट पेंटिंग बोलते हैं। लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम फ़ोटो को लॉन्ग एक्सपोजर पे खींचते हैं और जहाँ जहाँ हमारा डार्क एरिया है उसको हम बाहर से लाइट यूज़ करके उसके ऊपर लाइट मार के उस फोटो को बेहतर बनाते हैं। लाइट पेंटिंग के बारे में मैं अपने आगे के वीडियो में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, उसमें किस तरीके की लाइट पेंटिंग होती है, उसको कैसे करा जाता है और आपके कैमरे की सेटिंग क्या रखनी चाहिए, तो वो हम आगे के अपने एक वीडियो में डिसाइड करेंगे। एक और टाइप की लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती है जो हम सब ने देखा है और जो एक बहुत बेहतरीन स्टाइल है फोटोग्राफी का, वो है सोलर फोटोग्राफी या जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी बोलते हैं। इस फोटोग्राफी में आपने बहुत बार देखा होगा कि आसमान में रात के टाइम स्टार ट्रेल्स के फ़ोटो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के फ़ोटो और यहाँ तक कि सन ट्रेल्स के फ़ोटो भी लिए जाते हैं। तो ये सब लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी की टेक्निक्स यूज़ करके किया जाता है और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत कम तरीकों में से एक है जिससे आप इस टाइप की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, नहीं तो और भी किसी टेक्नोलॉजी से इस टाइप की फ़ोटोग्राफी नहीं हो सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी नॉर्मल फोटोग्राफी से कैसे अलग है। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर इसका मतलब है आपका जो एक्सपोजर टाइम है या जो शटर स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रखा जाता है, जिससे कि आपको सेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले और वो एक बड़े टाइम के लिए फ़ोटो को एक्सपोज कर पाए। बहुत बार नाइट फोटोग्राफी या कोई भी टाइप की फ़ोटोग्राफी, यहाँ तक कि दिन में भी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का इस्तेमाल होता है। आपने बहुत बार ऐसे फ़ोटो देखे होंगे जिसमें आसमान के जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, या आपने बीच के या समुंदर के ऐसे फ़ोटो देखे होंगे जहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी इफ़ेक्ट उसमें आ रहा है। आपने वाटरफॉल्स के फ़ोटो देखे होंगे जहाँ पे जो झरने हैं, वाटरफॉल है, उसका पानी एकदम ही स्मूथ है, एकदम ही ड्रीमी इफ़ेक्ट उसमें आता है। ये सब लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के पार्ट है। अब लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में क्योंकि हम ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करते हैं तो जो मोशन है, जो चीज़ें इसमें मूविंग है, वो ब्लर हो जाती हैं, तो इसलिए लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी को फोटोग्राफी का एक बहुत अच्छा स्टाइल माना जाता है। और इसमें जो भी चीज़ आपके मोशन में है, जो कि कंटिन्यूस मोशन में है, यहाँ पे ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो बहुत बेहतरीन दिखती है। लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी जगह का फ़ोटो खींच रहे हैं जहाँ पर लोग आते जाते हैं तो ऐसी जगह पर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों का मोशन कॉन्स्टेंट नहीं है और वो कभी चलेंगे कभी रुकेंगे और ऐसी चीज़ में आपका जो फ़ोटो है वो बहुत अनइवन हो जाएगा। तो इसलिए जनरली कोशिश करनी चाहिए कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आज जिस भी जगह का फ़ोटो खींच रहे हैं वो एकदम खाली हो, या अगर आप ऐसी जगह का फ़ोटो खींच रहे हैं जहाँ पे लोग हैं तो उस पॉइंट पे आपका लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आपका टाइम बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के लिए ये है, अब क्योंकि यहाँ पे हम 10 सेकंड, 20 सेकंड और 1 मिनट से लेकर 30 मिनट, 1 घंटे तक फ़ोटो भी खींच सकते हैं, तो हमारे कैमरा की कुछ लिमिटेशंस होंगी जो हमें दूर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट जो हमें काम आता है वो है एक एक्सटर्नल टाइमर। किसी भी कंपनी का आप एक एक्सटर्नल टाइमर खरीद सकते हैं, उससे आपके कैमरे में एक फ़ीचर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जिससे कि आपको, जैसे हमारे नॉर्मल कैमरा में 30 सेकंड्स का मैक्सिमम एक्सपोजर हम ले सकते हैं, लेकिन 30 से ऊपर अगर हमें लेना है तो हमें बल्ब मोड में जाना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन में आप एक एक्सटर्नल टाइमर यूज़ करके आप अपने शटर स्पीड को कितनी भी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग ज़रूर दे दूँ कि बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर आप अपने शटर को रखेंगे और सेंसर अगर आपका चालू रहेगा तो आपका कैमरा डैमेज भी हो सकता है। तो जब भी आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करना चाहें और एक शटर रिलीज बटन यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और आपके अपने कैमरे के सेंसर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है
और वो कितनी देर तक कंटिन्यूस चालू रह सकता है। आखिर में मैं आपको एक ऐसी इक्विपमेंट के बारे में बता दूं जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा, जो कि यह है एक एनडी फिल्टर। फोटोग्राफी में एनडी फिल्टर की एक बहुत ज़रूरी जगह है, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। एनडी फिल्टर्स को साधारण तरीके से आप अपने कैमरे का चश्मा समझ लीजिए। जब भी हम धूप में बाहर जाते हैं और धूप बहुत ज़्यादा है तो हमें देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक कोई सनग्लास पहन लेते हैं। तो एनडी फिल्टर आपके कैमरे का सनग्लास है। बहुत बार आपने दिन के लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज देखे होंगे जिसमें बादल जो हैं आपके वो बहुत स्मूथ हैं, पानी जो है वो आप बहुत ड्रीमी है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप ही सोचिए क्या दिन में इतना बड़ा एक्सपोजर का फोटो हम ले सकते हैं। आप कितना भी छोटा एपरेचर रखिए, ISO कितना भी कम रखिए, लेकिन आपकी शटर स्पीड उतनी ज़्यादा हो नहीं सकती है जिससे कि आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटो दिन में मिले। तो ऐसी कंडीशन में हमें दिन में बहुत ज़रूरी है कि हम एनडी फिल्टर यूज़ करें और उससे हमें दिन में भी अपनी शटर स्पीड को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी टिप है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि एनडी फिल्टर आप ज़रूर यूज़ करें, और दिन में जब भी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो एनडी फिल्टर आपके पास होना ही चाहिए। एनडी फिल्टर के बारे में अलग से मैं अपने आगे के वीडियो में बात करूँगा, जहाँ पर मैं आपको एनडी फिल्टर की यूज़ बताऊँगा, आप इसको कब कब यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के एनडी फिल्टर की बातें हम करेंगे। तो ये सब बातें आपको मेरे एनडी फिल्टर वाले वीडियो में मिलेंगी। तो बस यही थी कुछ बातें लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के बारे में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के बारे में समझने में कुछ मदद मिली हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।